नमस्कार, मैं हूं एम के अकमल और आप देख रहे हैं हुंकार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पलामू जिले के मनातू प्रखंड में, और जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं श्रम नियोजन मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। और मनातू प्रखंड की ये सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े कैबिनेट के मंत्री का आज मनातू पर आगमन होना। आइए हम लोग यहाँ पर इनसे बातें करते हैं कि कैसा इनको लगा, क्योंकि इतना संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद झारखंड के कैबिनेट का मंत्री पे का यहाँ पर आना यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य। आइए हम लोग मंत्री जी से बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा महसूस कर रहे हैं सर इस संवेदनशील अति पिछड़े क्षेत्र और जैसा कि नक्सली क्षेत्र भी कहा जाता है सर, यहाँ पर आके आपको कैसा लग रहा है सर? देखिए, पहले सुने होंगे कि चतरा चतरा है, पूरे राज्य में पसरा है, कदम कदम पर खतरा है, उसी नाम चतरा है। तो चतरा के मंत्री हैं बॉर्डर के, मनातू और चतरा कुंदा सब सटा हुआ है, और कह सकते हैं कि पूरा नक्सली गढ़ था, लेकिन अब नहीं है, समय समय की बात है। अभी हम लोग विकास की दिशा में सरकार काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं। अब देखो, कई लोग हम लोग उनसे एक दिन काम किया, और खासकर श्रम विभाग के बहुत लोग जानबो नहीं करते थे श्रम विभाग काम किया है, लेकिन जब COVID-19 प्रकोप आया पूरे प्रदेश में, तब जाना कि श्रम विभाग का काम है मजदूरों को लाना, ले जाना, घर तक पहुंचाना, उनको जो आवश्यकता है, जरूरी है, उसको सरकार देगी, हम लोग दे भी रहे हैं। और अभी बहुत जल्द लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है। सर, आप लोकसभा की बात कर रहे हैं सर, हमेशा से चतरा लोकसभा जो है सर वो बाहरी प्रत्याशी को अपना सांसद चुनते हुए आ रही है, अब शायद वो एक मजबूरी रही हो चाहे जो भी रही हो सर, इस बार आपका नाम सर वो आ रहा है, और जिस तरह से गर्मजोशी के साथ आपको मनातू प्रखंड में इतना सुरदर्शी क्षेत्र में स्वागत किया गया सर, ये काफ़ी दिलचस्प है सर। तो क्या इस बार चतरा लोकसभा की जनता जो है वो अपना लोकल प्रत्याशी को लाएगी सर, क्या लगता है सर, कैसा आपको लगा? देखिए, पूरे झारखंड में खतियानी हल्ला हो रहा है क्या? हम भी चाह रहे हैं कि भाई बाहरी के धोनो खतियानी के चुनो, क्योंकि जो दूसरे प्रदेश के दूसरे राज्य के आकर के यहाँ जो राज भोगते हैं, तो चतरा चरागाह नहीं है, यहाँ 55 विधानसभा है, 26 प्रखंड है, यहाँ कई एक होनहार हमारे युवा युवतियाँ भी हैं, कई लोग उम्मीदवार भी हैं, लेकिन कोई भी सांसद हो, कोई भी पार्टी का हो, लोकल होना चाहिए। एक आखिरी सवाल के साथ सर, हम लोग अभी इस वक्त पाकी विधानसभा में हैं सर, और पाकी विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं BJP के, वो भरी सदन में जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया था एक साथी विधायक इरफान अंसारी के लिए, उसी लहजे में भी उन्होंने अभी कुछ दिन त्यौहार से पहले जो है एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए उन्होंने भी कुछ अश्लील बातें कही, इस पर क्या कहेंगे सर आप? ये कोई भी लोकतंत्र में सांसद हो, विधायक हो, मर्यादा में रहकर बात करना चाहिए, किसी जाति किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति के अपना अपना मजहब है, अपना अपना लोग पूजा पाठ करते हैं, इसमें कोई किसी जाति संज्ञा पर इस बात बोलना एक विधायक के लिए उचित नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनातू मऊवार सुरेंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए इनसे हम लोग जानने की, थोड़ा सा आप लोग अगर जगह दे देंगे तो शायद हमारे कैमरामैन को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर ये आप जैसा कि जान सकते हैं कि मनातू के विरासत में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, और जिस तरह से अभी सत्ता में मंत्री जी मौजूद हैं, तो मनातू के जो अभी हालिया स्थिति है ये इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो मंत्री जी के सामने आइए, इन्हीं से हम लोग जानते हैं कि क्या समस्याएं और क्या अपनी बात ये हमारे माध्यम मंत्री जी को रखना चाहते हैं। मनातू पाकी विधानसभा की समस्या जो है, यहाँ पर समस्या का अंबार लगा हुआ है, और जहाँ तक बाहरी और भीतरी का सवाल था, तो विधायक तो खैर यहाँ के लोकल हैं, तो जो लूटलाओ कुटाओ वाले हैं दोनों विधायक, और पाकी विधानसभा पर नया चेहरा चाह रहा है, और सांसद भी नया चेहरा चाह रहा है, इसलिए हम लोग जी जान से ये दोनों चेहरा को बदलना है, चाहे धन मान धन ताकत जो भी लगाना हो, हम लोग ये दोनों को नया चेहरा लाएंगे, तब तय है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा यही है कहना कि कम से कम आप मेरे घर के बगल में हैं, इतना तो जरूर लाज रखिएगा, वे घर के गोतिया है,
समस्या पर, समस्या पर क्या बात करेंगे, आपके मनातू में क्या समस्या है? समस्या पर ही है मनातू में कि यहाँ का रोड की हालत है, अगर आप यहाँ से चक जाएंगे हुजूर तो जो पुल पर चढ़िएगा हुजूर तो आधा जान से पुल पर चढ़ेंगे हम लोग कि कखनी न उलट के नीचे चले जाएं। माननीय पूर्व विधायक जी का रोड बना हुआ उसको भी देख लीजिए, वो तो बना हुआ। अब अभी जो मंत्री जी आए हैं अभी की क्या जरूरतें हैं, आप कैसे क्या जानते हैं? अभी यहाँ पर सिंचाई का साधन, शिक्षा में जो यहाँ शिक्षक लोग नहीं उसकी व्यवस्था, प्लस यहाँ पर जो भी कमी है उसको हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि अपने दमखम से यहाँ के काम को विकसित करवावें, यही मेरे एक उद्योग का जरूरत है लगावें। और हम लोग का पूर्ण विश्वास पूर्ण ये है कि ये आएंगे तो पाकिन विधानसभा, ये चतरा लोकसभा आगे बढ़ेगा। तो चलिए, आपने सुना, ये थे मनातू मवार सुरेंद्र जीत सिंह जी थे जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर मंत्री जी का समर्थन किया है और कहा है कि अगर ये आते हैं तो इस क्षेत्र की खुशहाली आएगी। पर मनातू में देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मंत्री जी का आगमन हुआ है। और चलते चलते में हम यहाँ पर युवा नेता जो हैं अरुण कुमार यादव जी, उनसे हम लोग बात करेंगे। सर, कैसा लग रहा है यहाँ आगे? बहुत बढ़िया, हमारे माननीय मंत्री जी का आगमन हमारे विधानसभा में हुआ है और यह एक नई गाथा लिखेंगे, क्योंकि इनको ऐसे भी विकास पुरुष कहा गया है और हमारे विकास पुरुष और हम लोग सभी लोग मिलकर पूरे पाकी 75 विधानसभा में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे। तो देख सकते हैं आप कि जिस तरह से यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग जितने जोश और खरोश में दिख रहे हैं मंत्री जी के यहाँ पे आगमन के बाद, तो ये तस्वीरें काफ़ी कहीं ना कहीं महागठबंधन को एक सुकून देती है कि उनके जो प्रत्याशी हैं वो अभी से ही जीत के दावे कर रहे हैं, चाहे उनके लोग क्यों नहीं हों। और भी ऐसे ही बड़े अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।